यूक्रेन से वापस लौट रहे छात्रों का जमकर के स्वागत हो रहा है, लोग गले मिल रहे हैं, फूल मालाओं के साथ स्वागत हो रहा है। तो हम बात करेंगे ऐसे एक छात्र से। नाम क्या है सर आपका और यूक्रेन में आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम टेकचंद कौशिक है। मैं यूक्रेन में टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फोर्थ ईयर सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जहाँ पे आप थे वहाँ पे अभी हालत क्या है? टर्नोपिल में नॉर्मल है, बट इतना है कि शाम को 7 बजे होते ही सायरन शुरू हो जाते हैं वहाँ, तो हम लोग 6-7 बजे के लगभग बंकर में पूरी रात निकालते हैं। बस इतना है, बट वैसे कंडीशन नॉर्मल है, बट वहाँ पे भी एयर स्ट्राइक का डर होता है। सर आप वापस आ गए लेकिन अभी भी कई आपके साथी दोस्त वहाँ पे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? साथ वाले फंसे हुए हैं, कीम में फंसे हुए हैं, सुमी में फंसे हुए हैं, ओडेसा में फंसे हुए हैं, खारकिम में। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे हम लोगों को एक दिन लेट कर देते बट उन 4 स्टेट से जल्दी जितना हो सके, क्योंकि यूक्रेनियन जितने भी पुलिस वाले हैं वो लोग ना तो उन्हें बस में चढ़ने दे रहे हैं, ना उनके लिए कोई अरेंजमेंट है कि, क्योंकि वो एरिया इन 4 कंट्रीज जो इन्होंने अप्रूव करी हैं इवैक्यूएशन के लिए, वो वहां से 1300 से 1600 किलोमीटर दूर पड़ती हैं। वहां से ना कोई ट्रांसपोर्ट की है। अब कल इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी कि आपको 6 बजे के लगभग, मतलब इवनिंग में 6 बजे खारकिव खाली करना है पूरा। कल वहाँ यूनिवर्सिटी में भी अटैक हुआ है हॉस्टल में, अब बट वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं थे। 1000 बच्चे रेलवे स्टेशन पे आ गए, अब उन लोगों को दिक्कत हुई, वहां मारपीट भी हुई उन लोगों के साथ। तो बस इतना है कि जल्दी से जल्दी उन बच्चों को। आपकी अपने उन मित्रों से बात हुई है, दोस्तों से बात हुई है? मेरी खारकिव वालों से नहीं हुई, पिछले 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट करने के लिए, उनसे नहीं हो रही है। बट कीव वाले आज आ रहे हैं, हमारे साथ के फंसे हुए थे टर्नोपिल के, कीव में गए हुए थे, 24 की फ्लाइट थी, वो लोग अभी IAF के फ्लाइट से आए हुए हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बॉर्डर तक पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है, उसके बाद नहीं। तो आपको, आपने क्या देखा, क्या बताऊं? मैं 25 तारीख को मैं टर्नोपिल से पोलैंड के लिए लीव कर गया था, हम 8 बच्चे थे, मैं 3 दिन रहा हूं खुद पोलैंड पे, हमारे साथ मारपीट हुई है पोलैंड वाला बॉर्डर में। किसने की सर मारपीट? सर चेक पॉइंट पे, जी उन्होंने क्या कर रखा है, जो बॉर्डर है बॉर्डर से 6 किलोमीटर पहले अपनी मिलिट्री लगा रखी है, तो वो लोग नहीं जाने दे रहे हम लोगों को। अब हम लोग चले भी गए थे, लाइक हम 400 बच्चों का ग्रुप था, हम थोड़ा बॉर्डर से ऐसे होंगे चेक पॉइंट से 300-350 मीटर पहले होंगे हम लोग, तो उन लोगों ने गाड़ी वगैरह लगाई, हम लोगों के साथ मारपीट करी, मेरे खुद के साथ हुई है, फायरिंग कर रहे हैं वो लोग लड़कियों और इवन यूक्रेनियन कर रहे हैं वो लोग। वो सीधा बोलते हैं इफ यूर गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद अस देन वाई विल वी हेल्प यू, वो सीधा ये बोल रहे हैं कि UN में कुछ हेल्प वगैरह नहीं करी इंडियन गवर्नमेंट। तो सर आप आज वतन वापस लौट आए, क्या कहना चाहिए? बस मैं इतना कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच इवन ईच एंड एवरी वन, फैमिली, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी और जितने भी हमारे फ्लाइट में थे, जो भी पायलट वगैरह सब क्रू मेंबर थे, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा दिल से। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो अभी देखिए बाकी परिवार भी हैं यहाँ पे जो इंतजार कर रहे हैं और इनके साथ ही बिटिया भी इनके पढ़ती है। नाम क्या है सर उनका? पलवल हरियाणा से। अच्छा, कब आ रही हैं? तो वो इन्हीं के साथ आ रही है, इन्हीं के ग्रुप में है, ये टेकचंद जी के साथ ग्रुप में 14 बच्चों का ग्रुप आज आ रहा है। तो हम सरकार का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं, तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मिठाइयां वगैरह सब आई हुई है जी, प्रधानमंत्री जी के लिए हम यहाँ से सांकेतिक मिठाई हम देना चाहते हैं हरदीप पुरी जी, क्योंकि हमारी बेटी उससे बॉर्डर, हंगरी बॉर्डर से आ रही है, हंगरी फ्लाइट से वो यहाँ पे आएगी अब, तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि बॉर्डर के बाद में बहुत अच्छा इंजाम था। बेटी जब बात होती होगी डर भी लग रहा होगा? लग रहा, वो पोलैंड बॉर्डर पे गई थी, वहाँ पे 2 रात 1 दिन रही, उसके बाद में उन लोगों ने घुसने नहीं दिया, यूक्रेनियन चेक पॉइंट से ही उनको आगे नहीं जाने दिया, दुर्व्यवहार कर रहे हैं छात्रों। रात में फिर वहाँ पे भगदड़ हो गई, लड़की वहाँ से फिर दोबारा टर्नोपिल यूक्रेन आई, 35 किलोमीटर पैदल चल के उनको टैक्सी मिली, टैक्सी वाले लगभग 5-5 गुना पैसे ले रहे हैं उनसे। फिर वहां से आने के बाद में फिर वो ओजोड़ यूनिवर्सिटी गई है, 12 घंटे का रास्ता रात को उसने कवर किया, 11 बच्चों का ग्रुप था, वो डरते डरते लोग वहां पर पहुंचे। रास्ते में लड़की बता रही थी कि बर्फ पड़ रही है और वहां पे हमारी गाड़ी भी खराब हो गई, लेकिन भगवान चाहता था इनकी जिंदगी। आंखों में आंसू है सर, बिटिया वापस लौट रही, खुशी बहुत जी, बहुत खुशी है मुझे बहुत खुशी है। मैम आप मिठाई लीजिए और प्रधानमंत्री जी को हम सांकेतिक रूप से यहाँ से मिठाई खिला रहे हैं, वो हमारा जो है ये परमात्मा का जो भोग है, बच्चों के जो प्यार का जो भोग है उसको स्वीकार करें, देश इसको स्वीकार करें। मैम आप भी लीजिए। आज आप देखिए कि जो परिवार हैं वो बेहद खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं जो भी आ रहा है उनके लिए, और कह रहे कि हम सांकेतिक रूप से ये मिठाई सरकार के लिए भिजवा रहे हैं, क्योंकि बिटिया जो है इनकी काफी मुश्किलों का सामना कर रही थी लेकिन अब अंततः आज वापस आ गई है, बाहर निकलने वाली है। जैसा कि छात्र बता रहे हैं कि खासतौर से पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचने के लिए काफी दुर्व्यवहार का सामना भारतीय छात्रों को यूक्रेनियन सेना से करना पड़ रहा है, यानी कि तमाम मुश्किलें हैं, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन एक एक करके छात्र अब अपने अपने देश को वापस लौट आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली।